हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज ऋषभ जैन। और यार आज हम करने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम फायर एंड आइस। इसके पोएट हैं यार रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंपल सी छोटी सी पोयम है यार, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यार सबसे पहले इसकी हम जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इसका थीम क्या है वो देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स, लिटरेरी डिवाइसेज, जो भी होगा पोएम में वो हम देखते जाएंगे हैंड टू हैंड। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नेचर लवर हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर जो है पोएम्स लिखते हैं। अब ह्यूमन टेंडेंसी को ये नेचर के ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके बताते हैं, उनके साथ जोड़ देते हैं। ये इन इनकी पोएम्स की एक स्पेशलिटी है। ओके, तो यार ये जो इनकी पोएम है ना फायर एंड आइस, इसमें ये बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, इसका एक थीम है कि जो फायर है बेसिकली वो सिंबल है डिज़ायर का। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? तृष्णा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, ललक, इसे कहते हैं डिज़ायर। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर। और आइस जो है वो किसका सिंबल है? हेट्रेड का, यानी नफरत का। जो हमारे हार्ट्स में नफरत है, हेट्रेड है, उसका सिंबल इन्होंने रखा है आइस। तो ये क्या कह रहे हैं कि फायर और आइस, यानी कि डिज़ायर और हेट्रेड, ये दोनों चीज़ें जो है ना दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फायर यानी कि लोगों का डिज़ायर दुनिया को ख़त्म करेगा, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आइस यानी लोगों की हेट्रेड दुनिया को ख़त्म करेगी। ओके, तो इन्होंने यही बताया है। मेरे हिसाब से फायर और आइस दोनों ही कैपेबल है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। यार देखो सिंपल सी बात है कि एक आदमी का डिज़ायर था कि मेरी जो कंट्री है उसका एरिया बढ़ना चाहिए, इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई, ठीक है। या फिर हेट्रेड की बात कर लो, ज्यूस के प्रति जो हेट्रेड थी नाजीज की, इस वजह से कितना उन्होंने होलोकॉस्ट किया। इन दोनों चीज़ों की वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इनकी वजह से जो मैन है ना वो अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को भूल जाता है। ओके, इनके वशीभूत होकर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, पोएट ऐसा कह रहे हैं। ये इस पोएम का सिंपल सा थीम है। ओके, तो यार पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यार ये क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म होगी। फायर मतलब डिज़ायर और आइस मतलब हेट्रेड। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ये कह रहे हैं कि जितना मैंने लोगों के डिज़ायर को देखा है। अब देखो सीधा सीधा पोएम में बता दिया कि फायर जो है वो डिज़ायर का सिंबल है और आइस जो है वो हेट्रेड का सिंबल है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये कह रहे जितना मैंने लोगों के डिज़ायर को जाना है, जितनी लोगों की इच्छा को, उनकी तृष्णा को मैंने बढ़ता है, जितना देखा है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि फायर से एंड होगी। यानी कि इनका क्या ओपिनियन है पोएट का कि फायर से एंड होगा वर्ल्ड, फायर मतलब डिज़ायर से। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कितनी सुंदर लाइन है यार। इन्होंने क्या कहा है कि पहले इन्होंने ये ओपिनियन दे दिया कि मेरे हिसाब से डिज़ायर से ख़त्म होगी दुनिया, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार डाई करना हो, पेरिश का मतलब होता है यार डाई यानी कि मरना, पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होना, अगर दुनिया को एक और बार डिस्ट्रॉय करना हो तो मैंने जितना लोगों के हेट्रेड को, जितनी लोगों के अंदर बसी हुई नफरत को, एक दूसरे के लिए जो नफरत है उसे जाना है। टू से दैट डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। जितना मैंने लोगों के हेट्रेड को जाना है, मैं कह सकता हूँ कि आइस भी सफिशेंटली कैपेबल है दुनिया को एंड करने में करने के लिए, यानी कि लोगों का जो हेट्रेड है वो भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। तो इनके हिसाब से दोनों है सफिशेंट। अब यार ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब हैगा बी सफिशेंट यानी सफिशेंट होना। ये आपका क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड वुड सफाइस, और ये नीचे मैंने नोट्स में इंक्लूड भी कर रखा है। यार इसी के साथ आपकी जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इसके जो राइम स्कीम है वो देख लेते हैं। सिंपल राइम स्कीम है ए बी ए ए सी डी सी सी। राइम स्कीम आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें देखना होता है, और जो सेम साउंड करते हैं उन्हें हम एक लेटर दे देते हैं, और जो अलग साउंड करते हैं उन्हें हम एक लेटर दे देते हैं। तो इस तरीके से इस पोएम की राइम स्कीम बन गई ए बी ए सी डी सी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पूछी जा सकती है आपके एमसीक्यूज में। जो पोएट का नाम है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सिंपल सा नाम है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, पेरिश और सफाइस, इन्हें मैंने जो है यहाँ पर मार्क भी कर रखा है और बाकी सब भी समझा रखा है। यार इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और नोट्स को जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो। आई होप कि ये पोएम समझ में आ गई होगी, बोर्ड में बहुत अच्छा फोड़ना है। तब तक के लिए यार सिया, हैव अ नाइस डे।